वेलकम टू सीए गुरुजी चैनल, मैं हूँ पूजा और आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में जीएसटी की ऐसी रिटर्न जो अक्सर लोग भूल जाते हैं फाइल करना, या तो उन्हें अवेयरनेस नहीं है या फिर उन्हें याद ही नहीं रहता। आपको याद दिलाने के लिए और कैसे फाइल होगी ये रिटर्न, आपके साथ शेयर कर रही हूँ फाइलिंग की लाइव वीडियो। तो जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग क्योंकि इसे भूल जाते हैं फाइल करना, इसीलिए और भी लोगों के साथ जरूर शेयर करेगा। सो लेट स्टार्ट। तो जिस रिटर्न की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो है आपकी TDS एंड TCS क्रेडिट की रिटर्न। बहुत सारे लोग जिनका TDS या TCS कटता है अंडर GST, वो ये रिटर्न फाइल करना भूल जाते हैं, जबकि इससे उनको फायदा ही होगा। उनका जो TDS एंड TCS कटा है वो इस रिटर्न को फाइल करने से उनके कैश लेजर में आ जाएगा, जिससे उनकी GST की लाइबिलिटी हो जाएगी कम। TDS एंड TCS क्रेडिट के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप ये क्लियर टेक्स्ट का आर्टिकल पढ़ सकते हैं। यहाँ पे TDS एंड TCS के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताई हैं, जैसे पर्पस, ड्यू डेट एक्सेट्रा। तो आप चाहे तो ये आर्टिकल पढ़ लीजिए, पर मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ लाइव फाइलिंग। TDS और TCS की रिटर्न फाइल करने के लिए आपको आना होता है GST पोर्टल पे, और इस रिटर्न की कोई भी ड्यू डेट नहीं है, पर बेसिकली सभी लोग इसे अपने GST या 3B फाइल करने से पहले फाइल करते हैं। तो चलिए आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ GST पोर्टल पे और हम देखते हैं कैसे आपको फाइल करनी है TDS एंड TCS क्रेडिट्स अंडर GST की रिटर्न। तो TDS और TCS की रिटर्न फाइल करने के लिए आपको आना है GST डैशबोर्ड पे, मतलब अपना GST अकाउंट लॉगिन करना है और आपको आ जाना है GST डैशबोर्ड पे। यहाँ आपको जो सर्विसेज, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद आपको दिखाई देंगी रिटर्न्स और रिटर्न्स में नीचे ऑप्शन दिखाई देगी TDS एंड TCS क्रेडिट रिसिप्ट, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपको पीरियड चूज करना है कि किस पीरियड की ये रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं। अगर आपने पहले के पीरियड्स की भी नहीं की है तो सभी पीरियड्स की कर लीजिए, क्योंकि इसकी कोई लास्ट डेट नहीं होती। मैं यहाँ लेटेस्ट पीरियड यानी अक्टूबर चूज कर रही हूँ और क्लिक कर रही हूँ सर्च पे। सर्च पे क्लिक करते ही नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाती है TDS TCS क्रेडिट रिसीव्ड और उसे प्रिपेयर करने की ऑनलाइन। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल होते हैं इस रिटर्न को फाइल करने के लिए। ऑफलाइन मोड जनरली तभी यूज होता है जब आपके जो डिटेल्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो 500 रिकॉर्ड्स पर टेबल से ज्यादा हो। तो हम क्लिक कर रहे हैं ऑनलाइन प्रिपेयर करने के लिए। क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएंगे स्टेप्स टू प्रिपेयर योर TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीप्ट। आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं, वैसे बहुत ही सिंपल है। सिर्फ 4 टेबल्स यहाँ पे हैं। पहली 2 टेबल्स है TDS के लिए, दूसरी 2 टेबल्स है TCS के लिए। तो TDS के लिए 2 टेबल इसलिए हैं कि जो आपको मिला है क्रेडिट वो आएगा TCS क्रेडिट रिसीव में, और अगर अमेंडमेंट के बाद TDS क्रेडिट मिला है तो वो इस टेबल में आ जाएगा। तो आपके केस में जो भी है उसी टेबल पे आपको आना है। मेरे केस में TCS है तो मैं TCS क्रेडिट रिसीव वाली टेबल पे आ गई हूँ। आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, अभी यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड 0 है, तो इसकी वजह से आपको ये नहीं समझना कि शायद आपको कोई क्रेडिट ही नहीं मिला है। इसके लिए आपको एक बार इस टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा, यानी अगर आपका TCS कटा है या TDS कटा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, आपको उस टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं कर रही हूँ इस पे क्लिक। तो क्लिक करते ही आपके सामने जो आपका TDS या TCS क्रेडिट होगा वो आ जाए, तो यहाँ आपके सामने आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, जितने अमाउंट में TCS कटा है, कितना अमाउंट है, कितने पे कटा है, आपको सभी चीजें यहाँ से चेक कर लेनी है और फिर आपको सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे नीचे 2 ऑप्शंस एक्टिव हो जाएंगी, रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने की। रिजेक्ट करने पे क्या होगा, अगर आपके हिसाब से कोई मिस्टेक है, क्रेडिट जितना था उतना नहीं है, तो आप इसे रिजेक्ट कर दीजिए। रिजेक्ट करने से जो भी पर्सन है जिसने आपका TDS या TCS काटा है वो अपनी GSTR 7 या GSTR 8 में उन्हें पहले रेक्टिफाई करेंगे और फिर वो आपके अकाउंट में अवेलेबल होंगे। और अगर आपके हिसाब से डेटा बिल्कुल ठीक है तो एक्सेप्ट पे क्लिक कर लीजिए। मैं यहाँ आप क्लिक कर रही हूँ एक्सेप्ट पे। एक्सेप्ट पे क्लिक करते ही आपके पास ऊपर मैसेज आ जाएगा, रिकॉर्ड एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। और अब आप क्लिक करिए बैक पे। तो एक्सेप्ट क्योंकि हमने डेटा कर लिया, तो अब आप देख सकते हैं पहले TDS क्रेडिट रिसीव में कोई भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा था, पर अब रिकॉर्ड भी आ गया है और अमाउंट भी आ गया है। मेरा डेटा बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास नीचे ऑप्शन दी है इसे प्रिव्यू करने की PDF फॉर्म में, तो आप इसे क्लिक करिए, डाउनलोड कर लीजिए और PDF में चेक कर लीजिए। और फिर नेक्स्ट बटन है प्रोसीड टू फाइल का, इस पे आपको क्लिक करना। प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करते ही आपके सामने मैसेज आएगा कि आपका प्रोसीड टू फाइल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है। 1 या 2 मिनट आपको वेट करना है और फिर जो तीसरा बटन है आपके सामने, ये जो टैब दिया है फाइल TDS TCS क्रेडिट रिसीव्ड, ये हो जाएगा एक्टिव। तो आप देख सकते हैं मेरी फाइल बिल्कुल रेडी है। अब मुझे आई है बाय एक्नॉलेज पे क्लिक करना है और सिंपली फाइल TDS
TCS क्रेडिट रिसीट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो मेरे पास EVC आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा मेरे डिजिटल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे। तो ऐसे आपकी जो TCS की रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी विद इन 5 मिनट्स, और जो ये TCS का अमाउंट है जो आपने यहाँ एक्सेप्ट किया है वो चला जाएगा आपके कैश लेजर में, जिससे आपकी GST की लाइबिलिटी जो उस मंथ की होगी वो कम हो जाएगी। यानी आपको इससे फायदा ही होगा, अगर आपका TCS कटा है तो कैश लेजर में चला जाएगा जिसके अगेंस्ट आपकी GST की लाइबिलिटी सेट ऑफ हो जाएगी। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है इस रिटर्न के बारे में, तो अब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पता चल गया है तो और भी लोगों को अवेयर कर दीजिए। इसके लिए आपको सिंपली इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर लेना है। GST नंबर लेने के बाद GST की रिटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे लोग अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं करते। अगर आपको कोई भी दिक्कत है अपनी रिटर्न्स फाइल करने में तो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ क्लियरटेक्स का GST सॉफ्टवेयर, जिसे मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, और इससे आपकी एरर फ्री रिटर्न्स बहुत ही आसानी से बहुत ही कम टाइम में फाइल होती हैं। इसीलिए आप इसे एक बार साइनअप करिए, साइनअप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इनका फ्री 30 डेज का ट्रायल वर्जन यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। आई एम होपिंग दिस वीडियो इज रिलेवेंट फॉर यू। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको मेरी इंस्टा आईडी दी है, और अगर आप मुझे फेसबुक और ट्विटर पे सर्च कर रहे थे तो सर्च करिए #CAGuruji। और मैं अपने उन व्यूअर्स को दिल से बोलना चाहूंगी थैंक यू जिन्होंने हमारे सब्सक्राइब बटन के साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है, और वो देखते हैं हमारी वीडियोस सबसे पहले। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं हमारे सबसे पहले व्यूअर्स तो सब्सक्राइब बटन के साइड में दिए गए इस छोटे से बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप देख सके हमारी सभी इंपॉर्टेंट वीडियो और लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले। स्टे अपडेटेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें CA Guruji चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है।